वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम बच्चों, पूनम लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज है 6 नवंबर, दिन सैटरडे है। कल हमने अन्नकूट मनाया था और मैंने कान्हा जी के लिए 56 भोग बनाए थे और मैं काफ़ी थक चुकी थी। हस्बैंड और बेटे की छुट्टी थी तो उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। आप इस ट्रैवल ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हम चल रहे हैं कसौली। चंडीगढ़ से कसौली का डिस्टेंस 57 किलोमीटर्स है। सुबह का समय है, हल्की हल्की धूप खिली हुई है और दिन एकदम साफ है। ओवरऑल पिकनिक और ट्रैवलिंग के लिए ये परफेक्ट वेदर है। ये चंडीगढ़ के ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 पे स्थित एयर प्यूरिफिकेशन टावर है। ये इंडिया का हाईएस्ट प्यूरिफिकेशन टावर है। 24 मीटर हाई ये प्यूरिफायर सराउंडिंग एयर में से पोल्यूटेड एयर को पुल कर लेता है और क्लीन एयर को सराउंडिंग्स में रिलीज करता है। ये एयर प्यूरिफिकेशन टावर अपने इर्द गिर्द के 500 मीटर रेडियस की एयर को प्यूरिफाई करता है। चंडीगढ़ सिटी क्रॉस करने के बाद एक टोल प्लाजा है। इस रोड के लेफ्ट साइड पे आता है पिंजोर गार्डन और अगर आप सीधे जाते हो तो ये शिमला का रास्ता है। हमने चंडीगढ़ की बॉर्डर क्रॉस कर दी है और ये हिमाचल प्रदेश स्टार्ट हो गया है। रोड ट्रिप्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आप जहाँ मन करे वहाँ साइट सीइंग के लिए आप गाड़ी रोक के रुक सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ कितना बढ़िया व्यू है। हम एक रोड साइड इटरी, एक छोटा सा ढाबा है वेजिटेरियन ढाबा, वहाँ पे रुके हैं और बहुत बढ़िया यहाँ पे तंदूरी पराठे मिलते हैं। एक छोटे से रिफ्रेशमेंट ब्रेक के बाद हम आगे बढ़े हैं। हम नेशनल हाईवे 22 पे हैं। कसौली का रोड है ये। कुछ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ दिखेंगे और सुंदर वैलीज दिखेंगी। रोड की कंडीशन भी ठीक ठाक है लेकिन आगे चल के हमें थोड़ा सा ट्रैफिक में कंजेशन दिखा, इसलिए हस्बैंड ने डिसाइड किया कि आगे कसौली में ड्राइव करने की बजाय हम टिम्बर ट्रेल चलते हैं। इसलिए हमने यू टर्न ले लिया और हम पहुंच गए टिम्बर ट्रेल परवानू। चंडीगढ़ से 31 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। टिम्बर ट्रेल हाइट्स जाने के लिए जो केबल कार है उसकी टिकट काउंटर भी यहीं पर है। कार पार्किंग की यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी भी है। रोपवे का टिकट अडल्ट्स के लिए 1200 है और बच्चों के लिए 1000 रुपीज़ है। हमें टिकट काउंटर पे ज़्यादा भीड़ नहीं मिली लेकिन केबल कार का हमारा टर्न आने के लिए हमें 45 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ा। केबल कार का ट्रैवलिंग टाइम 8 मिनट्स है और वेट के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा पैसेंजर्स भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वेट करना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है, अच्छे फूल पौधे खिले हुए हैं और काफ़ी क्लेनलीनेस मेंटेन यहाँ पे की है उन्होंने और आते जाते केबल कार को देखने में अलग ही मज़ा आता है। तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके 45 मिनट्स कब हो गए। फाइनली हमारा टर्न आ गया है और हम केबल कार में बैठ चुके हैं। और ये शानदार व्यू आपको केबल कार के अंदर से दिख रहा है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और वैलीज आपको दिखेंगी। फ्रेंड्स, केबल कार का टाइमिंग मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 6 o'clock तक है। फ्रेंड्स, केबल कार की राइड जब हम स्टार्ट करते हैं तब हमारा अल्टीट्यूड 2500 फीट अबव द सी लेवल होता है। ये जो ऊपर आपको टॉप पे बिल्डिंग दिख रही है ये टिम्बर ट्रेल हाइट्स एंड टेरेसेस करके लग्जरी होटल है। यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। 3-star और 5-star फैसिलिटी है यहाँ पे स्टे करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से।
फ्रेंड्स, हम 4200 फीट अबव द सी लेवल है। यहाँ पे मौसम बहुत ही सुहाना है, हल्की हल्की थी ठंड लग रही है। हम दिन के टाइम में यहाँ पे आए हैं, धूप खिली हुई है, इसलिए मौसम अभी तक कंफर्टेबल है। लेकिन 4 o'clock के बाद यहाँ पे टेम्परेचर ड्रिप होना स्टार्ट हो जाता है और फिर आपको हल्का फुल्का विंटर वेयर तो ज़रूर ही अपने साथ रखना होगा। और अगर आप यहाँ पे स्टे करने का प्लान कर रहे हो तो इस सीज़न में आपको डेफिनेटली विंटर वेयर कैरी करने चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग्स और इवनिंग्स में यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। फ्रेंड्स, लीजर वॉकिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस आपको मिल जाएंगी, नीट क्लीन और बिल्कुल काम एंड पीसफुल यहाँ का वेदर है। और आप अगर नेचर लवर हो तो आपको डेफिनेटली ये प्लेस बहुत पसंद आने वाली है। बिल्कुल भी शोरगुल नहीं है, आप आराम से यहाँ पे लीजर वॉक्स ले सकते हो, स्ट्रोल कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्पेस एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए भी अलॉट की है। अगर आप एडवेंचर लवर हो तो आपको ये जगह बहुत पसंद आने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बाइक राइडिंग कर सकते हो, जायंट लैडर क्लाइंबिंग कर सकते हो, ट्री टॉप ब्रिजेस है, अनस्टेबल ब्रिजेस जो वुडन प्लैंक के बनाए हुए हैं उसके ऊपर आप वॉकिंग कर सकते हो, जिप लाइन है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। उसके अलग अलग पैकेजेस हैं, 1200 के 700 के आप पैकेज लेके उस हिसाब से ये एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ये हमारा बेटा है जो जायंट लैडर क्लाइंब कर रहा है, आप देख सकते हो काफ़ी हाइट पे है ये, लेकिन साथ में सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लिए हैं सारे। बच्चे को प्रॉपर हार्नेस दिया है, उसके बाद उसको हेलमेट पहनाया है, तो बिना डरे आप बच्चे को या बड़े हो कोई भी ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब ये सेकेंड एक्टिविटी कर रहा है, आप देख सकते हो ये काफ़ी अनस्टेबल से वुडन प्लैंक बनाए हैं ट्री टॉप के ऊपर, और यहाँ पे ये प्लैंक वॉकिंग चल रही है। आपको अपनी बॉडी को पूरी तरह से बैलेंस करते हुए एक एक प्लैंक के ऊपर स्टेप करना है। सपोर्ट के लिए आप साइड में जो प्लैंक के ऊपर रोप्स है उनको आप पकड़ सकते हो। ये भी एक्टिविटी काफ़ी पसंद आई है, और ये हमारा बेटा चिन्मय है, ये काफ़ी एंजॉय कर रहा है, इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ये थर्ड एक्टिविटी है, जिप लाइन है, आप देख सकते हो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इसे भी। ये चिन्मय को बहुत सारे पाइन यहाँ पे मिल गए, वो कलेक्ट कर रहा है। बड़ा ही ब्यूटीफुल सा ये पाइन फ्रूट होता है, आप देख सकते हो इतना ऊंचा ये पाइन ट्री है और ये फ्रूट्स नीचे गिरते रहते हैं, तो आप ऐसे ही आपको राह चलते बहुत सारे फ्रूट्स ये मिल जाएंगे। इन रेस्टोरेंट्स में आप खाना खा सकते हो, आप चाहे कॉफ़ी रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हो। शाम का समय हो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं और ये हम आए हैं टेरेस बार पर। ये टिम्बर ट्रेल हाइट्स एंड टेरेसेस का सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है। यहाँ की हाइट लगभग 5000 फीट अबव द सी लेवल है। ये एक ओपन एयर बार है और यहाँ से आपको पूरी वैली की और माउंटेंस का एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है। ये शिवालिक रेंजेस है जो आपको दिख रहे हैं, ये माउंटेंस। हम खड़े हैं टिम्बर ट्रेल के हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे ये टेरेस बार है, आप देख सकते हैं कसोली का हाईएस्ट पॉइंट है। और अब थोड़ी देर में यहाँ पे सनसेट होने वाला है, मैं यहाँ का व्यू आपको दिखाती हूँ। चिन्मय अपने बाइनोक्युलर से यहाँ का व्यू देख रहा है, नीचे आपको कौशल्या रिवर दिख जाएगी। ये शिवालिक माउंटेन रेंजेस है और अभी 4:30 बज रहे हैं, 5 बजे के आसपास यहाँ पे सनसेट हो जाता है। आप देख सकते हो बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, ये आप केबल कार देख सकते हो, ये इतनी छोटी सी दिख रही है, ये नीचे जा रही है।
हम घर से निकले थे एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए, लेकिन एक बहुत शानदार सा टाइम हमने स्पेंड किया है यहाँ पे। अगर हमें पहले से पता होता कि यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी है तो हम रहने के हिसाब से ज़रूर कपड़े वगैरह कैरी करते। नेक्स्ट टाइम हम पक्का यहाँ स्टे करने आएंगे, वो भी मैं आपके लिए शूट ज़रूर करूँगी। ये अब सनसेट हो रहा है, टाइम 5 o'clock हो रहे एग्जैक्ट। उम्मीद करती हूँ आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो फ्रेंड्स इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको मेरे इस लाइफस्टाइल चैनल पे मेरा ये ट्रैवल वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अपने सजेशंस और फीडबैक कमेंट में आते रहने दें। मैं फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। बाय। ये अब हमने केबल कार बोर्ड कर लिया है, हम वापस नीचे जा रहे हैं।